प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन व अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले बिजली मिस्त्री की आए दिन जान चली जाती है। और गुरुवार को भी ऐसा ही एक मामला बिरनी प्रखंड अंतर्गत मंझलाडी पंचायत से आया है। बताया जा रहा है कि भलुआ निवासी 32 वर्षीय सुशील कुमार वर्मा पावर हाउस में सूचना देकर अथवा बिजली कनेक्शन कटवा कर बिजली के पॉल पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ठीक कर रहे थे, और इसी दौरान लापरवाही बरतते हुए पावर हाउस के अन्य कर्मी के द्वारा उस फीडर में कनेक्शन अथवा करंट दे दिया गया। यहां बता दें कि बिजली मिस्त्री सुशील कुमार मोबाइल से बात भी कर रहे थे कि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं अभी करंट अथवा कनेक्शन ना दें, लेकिन फिर भी अचानक बिजली के कनेक्शन चालू कर दी गई, जिसके बाद करंट लगने से ट्रांसफार्मर में ही सुशील की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुशील लगभग 6 वर्ष से बिजली विभाग में कार्यरत थे। यह बता दें कि मृतक अपने पीछे माता पिता पत्नी व दो छोटी छोटी पुत्रियों को छोड़कर चले गए। इधर घटना की खबर सुनते ही हजारों की संख्या में लोग जुट गए, वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। बहरहाल बिजली विभाग की लापरवाही से सभी रूबरू हैं, जिला प्रशासन इस ओर सख्त कार्रवाई करे ताकि किसी की जान से कोई खिलवाड़ ना हो सके। बिरनी बिसुत्री सदस्य, आज सुबह 8 बजे बिजली विभाग का स्टाफ श्री त्रिभुवन महतो का पुत्र सुशील कुमार वर्मा बिजली विभाग के लापरवाही से, चूंकि आपका भरकट्टा में जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर से इजाजत लेकर के ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पावर हाउस से इजाजत लेकर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए भलुआ गांव के ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था, लेकिन ट्रांसफार्मर में मौजूद स्टाफ के द्वारा बड़ी लापरवाही करके और कनेक्शन को जोड़ दिया, जिसके कारण सुशील कुमार का मौत हो गया। ये सुबह 8 बजे की घटना है। मैं चाहूँगा कि ये बिजली विभाग के जो स्टाफ हैं जिनके द्वारा गड़बड़ी हुई है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मैं इसकी मांग करता हूं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।